हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू लेसन वेव ऑप्टिक्स। बोर्ड में इसको वेटेज है 5 मार्क्स का और मार्क्स विथ ऑप्शन है 7। तो आज ये पार्ट नंबर 1 में आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको रे ऑप्टिक्स दिखाई दे रहा है, हेडिंग रे ऑप्टिक्स क्यों। अब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स को स्टडी किया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब हमारा लेसन का नाम है वेव ऑप्टिक्स और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रे ऑप्टिक्स। तो जस्ट हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो हमने स्टडी किया था उसको देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स यानी क्या है। तो रे ऑप्टिक्स जो है, इट व्हेन वी कंसिडर अ लाइट व्हेन इट इज़ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, ये भूलना नहीं है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, ठीक है। और हियर वी कंसिडर दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रेड लाइट कैसा ट्रैवल करता है? इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रे, कैसा कैसे ट्रैवल करता है, और जो उसका पाथ ऑफ लाइट है, इट इज़ अ रे ऑफ लाइट। तो द स्टडी ऑफ दिस ऑप्टिकल फिनोमिनॉन अंडर द अजम्पशन दैट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसा ट्रैवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे, कैसा ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और एज अ रे ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज़ नोन एज रे ऑप्टिक्स। उसको क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और इट इज़ नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, यही डेफिनेशन लिखी है, रे ऑप्टिक्स द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फेनोमिना अंडर द अजम्पशन दैट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स फॉर और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसको ही क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स समझ में आया कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट पाथ इज नोन एज रे ऑफ लाइट एंड वी एज्यूम दैट द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ रे, सो दैट फिनोमेनॉन इज नोन एज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं, हमारा लेसन का नाम है, बट हमारे लेसन का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो नेचुरली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हियर वी एज्यूम दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है? लाइट ट्रैवल्स इन ए फॉर्म ऑफ वेव। वेव वेव नेचर है लाइट का, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये पूरे लेसन में हमको वेव ऑप्टिक्स में, यानी ये पूरे लेसन जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें हमको स्टडी करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या स्टडी करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले स्टडी करना है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी स्टडी करना है, और उसके बाद में फेनोमिनॉन ऑफ इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस मीन्स क्या है, ये फिनोमिनॉन भी हमको स्टडी करना है, देन डिफ्रैक्शन को भी स्टडी करना है, डिफ्रैक्शन, एंड लास्टली पोलराइजेशन को भी स्टडी करना है, पोलराइजेशन को भी देखना है, ठीक है। तो ये सब हमको ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट देखनी है। ओके, तो समझ में आया क्या लेसन में डिफरेंस है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आज हमको ये स्टडी करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब लेसन को। तो रे ऑप्टिक्स हमने देखा हुआ है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, तो फिर आपको ये सब प्रीवियस स्टैंडर्ड में हुआ है पर जस्ट रिविजन करके मैं समझाती हूँ। दिस इज़ द इंटरफेस, ये इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस यानी विच सेपरेट्स द टू मीडिया, यानी ऊपर एक सपोज मीडियम नंबर 1 है और नीचे है मीडियम नंबर 2, ठीक है, और ये है, ये जो लाइन है विच इज़ वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है विद दिस इंटरफेस, इट इज़ नोन एज नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, ये हमको मालूम है, सब ये हो गया है, फिर भी रिवीजन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब ये जो ये जो रे हम निकालने वाले हैं, दिस इज़ नोन एज इंसिडेंट रे,
दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सोर्स. कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो है उसमें से ये रे आने वाला है, इट इज़ नोन एज इंसिडेंट रे. ठीक है, अब ये सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम एंड सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड इन द अनादर मीडियम. कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा वही मीडियम में और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाएगा अनादर मीडियम में. ठीक है, तो जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इट इज़ डिनोटेड बाय आई. ये सब अपना हुआ है, जस्ट सिर्फ रिविजन हम ले रहे हैं. और फिर एंगल ये जो है, ये सेकेंड ये वाला जो रे है, इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. एंड जो नीचे सेकेंड मीडियम में जो रे है, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. तो जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसको हम आर डैश बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश. और एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ठीक है, यहाँ तक आपका आपको क्लियर हो गया. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं. तो ये सब आपको मालूम होना, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी था. अब मैं आपको फर्स्ट लॉ बताती हूँ. क्या है फर्स्ट लॉ, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि जो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल. ठीक है, अब हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के ही लॉ देख रहे हैं, इसलिए रिफ्रैक्शन की तरफ मत देखिए. ऊपर वन मीडियम में ही हम देख रहे हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल कहाँ है, टू द बाउंड्री, बाउंड्री पे नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, आर इन द सेम प्लेन. ठीक है, कौन सा इंसिडेंट रे, आई रे लिखती हूँ मैं सिर्फ, और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब कहाँ पे है, सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल आर इन सेम प्लेन. कैसे है वो, एक ही प्लेन में है. ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, आई दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये दोनों कैसे है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा सेकेंड लॉ है, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन आर डैश से दिखाया है. तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यही हमको स्टडी करना है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द बाउंड्री सरफेस. नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, बाउंड्री सरफेस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन. सब कहाँ पे है, आर इन द सेम प्लेन. ओके, ये समझ में आया. सेकेंड लॉ को देखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ये आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, दैट इज़ से ये ब्रैकेट में डाल देती हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए. डायरेक्ट आप ये इतना ही लिख सकते हो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये समझ में आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये भी इतना आप ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी क्या है, वही लिखा है, दैट इज़ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसको आपने लिखा नहीं तो भी चलेगा. तो सिर्फ आप जो लाइन किया है मैंने, लाइन अंडरलाइन पार्ट वाला ही आपने लिखा तो भी चलेगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आया सेकेंड लॉ. तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अभी हमने वो डायग्राम अभी हमने देखा है, तो वो ही डायग्राम में हमने निकाला था कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ इंसिडेंट रे, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे. दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं निकालना है. ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये मैं सिर्फ यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे लिखती हूँ, रिफ्रैक्टेड रे. ओके, और दिस इज़ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. ठीक है,
और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, यह अभी हमने देखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे। ऊपर है मीडियम नंबर वन, नीचे है मीडियम नंबर टू, ठीक है। और ये बीच वाली जो लाइन है इट सेपरेट्स द टू मीडियम, ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। इट इज़ नोन एज इंटरफेस, उसको क्या बोलते हैं इंटरफेस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, वैसे हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है कि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, लाइट कैसा ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू ट्रैवल कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ को देखेंगे, पहला लॉ क्या बोलता है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हो। इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, बोथ आर लाई, ये बीच में क्या है, नॉर्मल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नॉर्मल है, दोनों कैसे है, बोथ आर लाई इन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, दोनों भी कहाँ पे है, अपोजिट साइड है नॉर्मल के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे लाई अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ओके। और ऑल द थ्री, ये जो तीनों भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, लाई इन द सेम प्लेन, सभी कैसे है, दे आर लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में है, ठीक है। ये हो गया, ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आपका, आपको। अब दूसरा, ये हो गया लॉ पहला। अब दूसरा जो लॉ है, इट इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ, उसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, उसका जो साइन हम अगर हमने लिया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, एंड इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कुछ बुक्स में म्यू से दिखाते हैं, या कुछ बुक्स में इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय एन, एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये ऐसा इक्वेशन नहीं है, आपके बुक में कैसा इक्वेशन है, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये इक्वेशन है, दैट इज़ साइन आई अपॉन साइन आर। देखो क्या क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन, सॉरी, एन टू अपॉन एन वन, और इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समझ में आया। एन एन टू स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द फर्स्ट सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, समझ में आया। अब हम लॉज को पढ़ेंगे, देखो, फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू द लॉज आर, अब लॉज को देखेंगे। फर्स्ट लॉ देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन, सभी क्या है, सेम प्लेन पे है। अब आपने शॉर्ट में लिखा इसको तो भी चलेगा, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है, लाई अपोजिट टू द नॉर्मल, हमने देखा हुआ है कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो दोनों भी कैसे है, अपोजिट टू द, ये नॉर्मल्स के अपोजिट है, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो थर्ड हमारा लॉ क्या है, कोई कोई बुक में ये दोनों भी लॉ मिक्स किए हैं, तो इट दिस लॉ इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या है स्नेल्स लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज़ रिलेटेड बाय एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ऐसा भी लिख सकते हो, या वी राइट इट एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आर, ये एन टू अपॉन एन वन, ठीक है। इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके।
तो वेयर एन वन एंड एन टू आर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ मीडियम मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू. ठीक है, समझ में आया? दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद में हमको अब एक वन बाय वन फॉर्मेशन ऑफ जो वेव थेरीज कैसी है तो उसको देखना है. तो अकॉर्डिंग टू अब न्यूटन्स के पहली तो थेरी हमको देखना है, बट अकॉर्डिंग टू डिस्कार्ट्स, आर डिस्कार्ट्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, आर डिस्कार्ट्स, डिस्कार्ट्स इन, अब उनका ईयर है 1596 to 1650. ठीक है, ही प्रपोज अ थेरी, थेरी तो उसमें उसने उन्होंने प्रपोज किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, ये थेरी उनको उन्होंने प्रपोज की थी. बट लेटर न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन दिस थेरी वॉज मॉडिफाइड और डेवलप बाय द न्यूटन एंड इट इज़ नोन एज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी. ये न्यूटन ने आफ्टर द डिस्कार्ट्स न्यूटन मॉडिफाइड द थेरी एंड दैट थेरी इज़ नोन एज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी, कार्पस्कुलर थेरी. ठीक है, न्यूटन के कार्पस्कुलर थेरी को हमको देखना है. कार्प्यूसल्स मीन्स क्या है? कार्प्यूसल्स मीन्स ये जो कार्प्यूसल्स, अब यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ कार्प्यूसल्स, दिस कार्प्यूसल्स आर नोन एज द पार्टिकल्स, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन दिस लाइट इज मेड अप ऑफ कार्प्यूसल्स, कार्प्यूसल्स यानी पार्टिकल्स से बना हुआ है लाइट. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी, तो उसको देखेंगे. तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी और न्यूटन्स कार्पस्कुलर थे पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी भी बोल सकते हो. टू मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी, टू मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि राइट पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी. तो पहले हम समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे. तो क्या है पोस्टुलेट्स उसको देखते हैं वन बाय वन, या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या अजम्पशंस है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी, उसको वन बाय वन हम पढ़ते हैं पहले और फिर मैं आपको समझाती हूँ फिर पढ़ेंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन दिस लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लाइट के इससे बना हुआ है, लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, लाइट किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स, दैट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्प्यूसल्स, कार्प्यूसल्स. ठीक है, लाइट किससे बना हुआ है? कार्प्यूसल से बना हुआ है. और ये कार्प्यूसल्स कैसे है? दे आर हार्ड है, दे आर हार्ड और दे आर इलास्टिक, हार्ड भी है इलास्टिक भी है और मासलेस भी है, एंड मासलेस, मासलेस. कैसे पार्टिकल्स है ये? हार्ड इलास्टिक एंड मासलेस. ठीक है, ये समझ में आया? दिस इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट. ओके, और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एमिट्स द कार्पसल्स विच आर ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन. जो सोर्स है हमारा, कुछ भी सोर्स लो, सोर्स ऑफ लाइट क्या एमिट करेगा? कार्प्यूसल्स एमिट करेगा, कार्प्यूसल्स एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू, ये सब थेरी चालू है न्यूटन्स की, बाद में ये सब थेरी फेल होने वाली है. तो पहले ऐसा अज्यूम किया जाता था कि जो लाइट है, लाइट इमिटेड बाय द सोर्स, सोर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्प्यूसल्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स है. ठीक है, विच ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कैसा ट्रैवल करेगा? अलोंग द स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा और वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं रहेगा. ठीक है, यानी विच इज़ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल
फोर्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया, यह है सेकेंड पोस्टुलेट हमारा, ठीक है। और ये जो कार्प्यूसल्स है, लाइट कार्प्यूसल्स, अगर ये स्ट्राइक हो जाते हैं, ये जो लाइट कार्प्यूसल्स, अब हम ये पार्टिकल्स है, ये अगर स्ट्राइक होते हैं, किस पे स्ट्राइक होते हैं, तो देखो, इफ़ दे आर स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एखादे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर ये स्ट्राइक होते हैं तो क्या होता है वो देखें, दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, वहां पे कोलिजन होता है, टक्कर होती है वहां पे, ये वन बाय वन अगर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो वहां पे क्या होगा, देर इज अ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद में दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, इलास्टिक जैसा, जैसे इलास्टिक को हम खींचते हैं, छोड़ देते हैं तो वो अपना शेप अपने आप ले लेता है, वैसे ही कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस कार्प्यूसल्स और पार्टिकल्स रिगेन बैक इट्स ओरिजिनल पोजिशन या ओरिजिनल साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, तो एंड दिस पार्टिकल्स फॉलोज, ये पार्टिकल कौन से क्या फॉलो करते हैं, दे पार्टिकल फॉलोज फॉलो करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, दिस पार्टिकल फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लाइट, फर्स्ट अजम्पशन पढ़ रही हूँ मैं, लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लाइट किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, कार्प्यूसल्स, विच आर कैसे है वो, हार्ड इलास्टिक एंड मासलेस, विच आर हार्ड इलास्टिक एंड मासलेस, उनको मास नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स दिस कार्प्यूसल्स विच आर ट्रैवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कैसा ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करते हैं ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा जब ये ट्रैवल कर रहे हैं तो, ठीक है। दो पोस्टुलेट क्लियर हो गए, अब थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं कि व्हेन द लाइट कार्प्यूसल्स स्ट्राइक ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, दे अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, वो क्या अंडरगो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, इलास्टिक कोलिजन, यानी टक्कर होती है, बट दे रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशंस एंड एज अ रिजल्ट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या फॉलो करेंगे, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। थ्री नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया, फोर्थ वाला पढ़ेंगे, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, अब रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन आपको मालूम है ना कि ये इंसिडेंट रे है, और व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल कर रहा है, देन इट चेंज इट्स पाथ, इसलिए ये डायरेक्ट हम ऐसा नहीं निकालते, डायरेक्ट ऐसा नहीं निकालते, तो थोड़ा सा बेंड होता है लाइट, इसको ही क्या बोलते हैं हम, फेनोमेनॉन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर नंबर का, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इट इज़ द डिफरेंस इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कार्प्यूसल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट कॉजेज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कार्प्यूसल्स। अब ये रिफ्रैक्शन में, जैसे अब मैंने बोला कि आपको कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है, तो इट चेंज इट्स पाथ, ये हमने देखा है, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, वैसे ही यहाँ पे भी वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ये कार्प्यूसल्स जो है उनके और जो मीडियम के पार्टिकल्स है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हम कंसिडर कर रहे हैं जो लाइट से निकले हुए, वो और मीडियम के जो पार्टिकल्स है, मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या रहेगा, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और उसके वजह से क्या होगा, दे चेंज, देर इज़ अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कार्प्यूसल्स, इसके वजह से ये जो कार्प्यूसल्स है लाइट से निकले हुए या पार्टिकल्स है उनके उनके डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट समझ में आया, फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट क्या है समझ में आया, अब फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं डायरेक्ट, मैं अभी आपको रेडी करके दिखाती हूँ, बहुत इजी है, क्योंकि अ टेंसर मीडियम एग्जर्ट्स अ लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन लाइट कार्प्यूसल्स टू एक्सिलरेट देम अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री। अब मीडियम कौन से है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम हमको मालूम है, फर्स्ट वन इज़ नोन एज, दो टाइप के मीडियम हमने ऐसे ये बाउंड्री इसीलिए निकाली है जो सेपरेट करती है दो मीडियम को, अगर सपोज डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है,
ये आपको हुआ है सब, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन डेंसर मीडियम जो है, डेंसर मीडियम इट एग्जर्ट, ये एग्जर्ट करता है लार्जर फोर्स। अगर वहाँ पे हमने अभी बोला कि जो पार्टिकल्स ऑफ द जो लाइट से निकले हुए पार्टिकल्स और मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो जो अगर वहाँ पे मीडियम अगर डेंसर होगा, अगर सपोज़ वहाँ पे मीडियम डेंसर होगा तो लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा देन द रेयरर मीडियम। सो जो कार्प्यूसल्स है, अब लार्ज फोर्स होने की वजह से कार्प्यूसल्स जो है वो एक्सिलरेट होंगे, जो वहाँ से जोर से एक्सिलरेट होंगे, वहाँ से एक्सिलरेट होंगे, एक्सिलरेट होंगे यानी मूव होंगे या उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर डेंसर मीडियम है तो उनका ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर रहेगा, ठीक है, देन द रेयरर मीडियम। ये समझ में आया आपको? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड जो रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगा इन डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है। ये पॉसिबल है ही नहीं डेंसर मीडियम, यानी आपको एकदम पक्का एक आधे को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है और उनको बोला कि ज़ोर से रन करो, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। डेंस मीडियम में, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ये ग्रेटर हो ही नहीं सकता। तो यही यहाँ पे ही न्यूटन थ्योरी फेल हो गई है। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ लेस दैन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, यही अभी है, ठीक है, वेव थ्योरी में तो यही है, ठीक है। आगे हमको ये देखना है, अभी तो हम सिर्फ न्यूटन की थ्योरी देख रहे हैं। तो यही तो ड्रॉबैक है न्यूटन का, न्यूटन थ्योरी का, कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, विच इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। यही ड्रॉबैक है न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी का, ठीक है। और ये समझ में आया? तो यहाँ पे वही लिखा है, अ डेंसर मीडियम एग्जर्ट्स अ लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी, अ डेंसर मीडियम एग्जर्ट लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन लाइट कार्पसल्स टू एक्सिलरेट डेम अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री। दस न्यूटन्स थेरी प्रेडिक्टेड दैट, यहाँ से भी आपको लिखा, आपने लिखा तो भी चलेगा डायरेक्टली, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वुड बी हायर देन दैट इन द रेयरर मीडियम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यही कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, यही कॉन्ट्राडिक्शन है, यही फेल्यूर है थेरी का। तो अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। सिक्स नंबर का पॉइंट देखेंगे, इन दिस थेरी लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स करस्पॉन्ड्स टू कार्प्यूसल्स ऑफ डिफरेंट साइज, लाइट कैसा है, डिफरेंट कार्प्यूसल, डिफरेंट साइज के कार्प्यूसल के लिए डिफरेंट कलर का लाइट है, ठीक है। दीज आर द सिक्स पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपको टू मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हमको देखना है व्हाट आर द फेल्यूर या ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। तो अभी पहला तो ड्रॉबैक हमने अभी पढ़ा है, कि अभी देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बोला है, विच इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव रॉन्ग, वो रॉन्ग प्रूव हुआ है। देखो फर्स्ट मैं पढ़ती हूँ, द थेरी प्रेडिक्टेड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम विच वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव रॉन्ग, हेंस न्यूटन्स कार्पस्कुलर थेरी वॉज रिजेक्टेड, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया है ये थेरी को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को पढ़ती हूँ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना, ये थेरी ने कौन से फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये फिनोमिनॉन हमको आगे देखना ही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये थेरी एक्सप्लेन करने के लिए ये यहाँ पे
फेल हो गई है न्यूटन्स थ्योरी, ठीक है। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। 3 मार्क्स का मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मेरिट्स और पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, तो आपको ये दोनों भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो ये हो गया न्यूटन्स थ्योरी। बट अब ये फेल हो गई ये थ्योरी, तो उसके बाद में जो न्यू थ्योरी प्रपोज हो गई है बाय द डच फिजिसिस्ट सी हाइगेंस। न्यू जो थ्योरी है वो इट इज़ प्रपोज बाय डच फिजिसिस्ट है सी हाइगेंस, ठीक है, सी हाइगेंस इन द ईयर 1668, ठीक है। एक नई थ्योरी आई है और इट इज़ नोन एज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उस थ्योरी को क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइगेन लाइट इज़ अ वेव। लाइट क्या है, वेव है, लाइट इज़ अ वेव, ठीक है। और हाइगेन ने अज्यूम किया है कि लाइट है एक वेव है कॉज बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। हमने ये देखा हुआ है, ठीक है, वेव नेचर क्यों है, बिकॉज देयर इज़ अ वाइब्रेशंस है, किसके वाइब्रेशंस है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, देयर इज़ अ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, there is a vibrations of particles of the medium, ठीक है। अब light तो travel नहीं करता है in vacuum, अब light travel करता है vacuum से, ठीक है। तो he assumed that light कैसे travel करता है, light is also travel through the vacuum, light travel करता है vacuum से, so according to Huygens, he assumed that there is a hypothetical medium, एक वहाँ पे एक मीडियम है और वो मीडियम का नाम है ईथर। वो मीडियम का नाम क्या है, ईथर। अकॉर्डिंग टू हाइगेन देर इज़ अ हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज ईथर विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह ये प्रेजेंट है, एवरीवेयर प्रेजेंट है, और ऑल्सो इन द वैक्यूम, वैक्यूम में भी है और प्रेजेंट एवरीवेयर, सब में प्रेजेंट है और वैक्यूम में, सब मीडियम में प्रेजेंट है और वैक्यूम में भी प्रेजेंट है। बट आफ्टर दैट ये जो इथर है, इथर यानी ये सब्सटेंस नहीं है या इथर गैस भी नहीं है, ठीक है। और ये आफ्टर दैट देर इज़ नो एविडेंसेस टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस एंड डस देर इज़ अ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट, यानी ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी इसलिए हुई कि कोई भी ऐसा पुरावा नहीं मिला कि ये इथर, ऐसा इथर कोई प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हाइगेंस थ्योरी। तो हम पढ़ते हैं, देखो हाइगेंस थ्योरी, यहाँ पे पहले तो वेव ऑप्टिक्स की डेफिनेशन है, बाद में करते हैं या कर लेते हैं। देखो, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमिनॉन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। वेव नेचर ऑफ लाइट जो एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे ब्रांच को क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थेरी ऑफ लाइट, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थेरी ऑफ लाइट, वो देखते हैं। अभी मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है, सिर्फ पढ़ते हैं। हाइगेंस अज्यूम लाइट टू बी अ वेव। लाइट क्या है, वेव है कॉज बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। किसके वजह से वेव बन रही है, कि देर इज़ अ जो मीडियम में पार्टिकल्स है उनके वाइब्रेशंस की वजह से लाइट कैसा है, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, ओके। सेकेंड मेरिट्स को देखते हैं, एज लाइट कुड ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम, लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर रहा है, ही एज्यूम दैट अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन वैक्यूम, ठीक है। लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल करता है, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेन देयर इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम नोन एज ईथर। क्या नाम है उसका, ईथर। ये सब्सटेंस नहीं है, केमिस्ट्री में ईथर आता है वो नहीं है, ये तो ईथर है, एक प्रेजेंट है और सब जगह है, इंक्लूडिंग वैक्यूम में भी है, ठीक है। ये दो पॉइंट समझ में आ गए।
अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हमने अभी देखा कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइगेंस थ्योरी, अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन वैक्यूम, हाउएवर नो एविडेंसेस टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस एंड डस इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा कोई भी ईथर नाम का जो मीडियम है वो फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। दीज आर द डीमेरिट्स, इसको डीमेरिट्स अब हम देख रहे हैं, डीमेरिट्स ये थ्योरी के, हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी के डीमेरिट्स अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फेल हो गई है थ्योरी यहाँ पे, क्योंकि ईथर है ऐसा बोला है इंक्लूडिंग वैक्यूम, बट देर आर नो एविडेंसेस फाउंड इन इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये समझ में आया। अब सेकेंड वाला पढ़ते हैं पॉइंट। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी द बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव विल नॉट बी इफेक्टिव विच इज़ इनकरेक्ट। हाइगेंस थ्योरी के अनुसार जो बैकवर्ड ट्रैवल कर रही है वेव, इट इज़ नॉट इफेक्टिव, ऐसे बोला गया है, ऐसे प्रपोज किया गया है, बट ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, वेव ऐसा फॉरवर्ड ट्रैवल करो या बैकवर्ड ट्रैवल करो तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी इफेक्टिव रहती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव विल नॉट बी इफेक्टिव विच इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आया। दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये डिमेरिट्स है हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स के। ओके, समझ में आया। तो आज हमने पूरी हाइगेंस थ्योरी को देखी है, देखा है। ठीक है, कल हम यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट एज अ वेव और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को भी देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे ये थ्योरी को देखने वाले हैं। हाइगेंस की थ्योरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, ऐसे ये पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो आज ये रीड करो, दिस आर द दिस इज़ द इंट्रोडक्शन स्टे। ठीक है, तो आज के दिन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।